अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है वेदर मैप्स एंड साइनोप्टिक चार्ट्स। वेदर मैप्स किसी भी मुल्क की जो नेशनल वेदर एजेंसी होती है वो आमतौर पर तैयार करती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये PMD इदारा है जो पाकिस्तान के वेदर मैप्स और साइनोप्टिक चार्ट्स डेवलप करता है। वेदर मैप के ऊपर जो तमाम बेसिक वेदर एलिमेंट्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स कवर, विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें शो की जाती हैं और आमतौर पर जनरलाइज्ड वेदर मैप्स वो मैप्स होते हैं जो आमतौर पर न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ रिपोर्ट्स में जो वेदर रिपोर्ट होती है उसके ऊपर उसमें डिस्प्ले किए जाते हैं। इस वजह से आमतौर पर ये सिंप्लीफाई रखे जाते हैं ताकि जनरल पब्लिक भी उसको रीड कर सके या अंडरस्टैंड कर सके। इस वजह से और जो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं वो ही आमतौर पर उस ऊपर डिस्प्ले किए जाते हैं। उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और प्रेसिपिटेशन है शामिल हैं। ये एक जनरलाइज्ड वेदर मैप है जो कि वेदर फोरकास्टिंग पाकिस्तान के एरिया के और सराउंडिंग एरिया की शो कर रही है, जिसके ऊपर क्लाउड्स शो किए जा रहे हैं क्लाउड कवर को शो करने के लिए, सनशाइन के लिए सूरज बनाकर शो किया जाता है। इस तरह ये भी एक वेदर मैप है जिसके ऊपर टेम्परेचर को शो किया गया है, जो रेड एरियाज हैं वो हाई टेम्परेचर एरियाज को शो कर रहे हैं। इसी तरह ये एक वेदर मैप है जिस पर टोटल प्रेसिपिटेशन शो की जा रही है, हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन के एरिया के, वो इलाके के जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होने का चांस है और वो एरियाज के जहाँ पर इस टाइम पीरियड में यानी 2 से 5 सितंबर 2020 में कम प्रेसिपिटेशन के चांस है वो एरियाज शो किए गए हैं। ये USA का वेदर मैप है जिसके ऊपर वेदर एलिमेंट्स जैसे क्लाउड शो किए गए हैं, जिस एरिया पर क्लाउड कवरेज, जैसे रेनफॉल होनी है वहाँ पर रेनफॉल बनाकर शो किए, जहाँ पर सनशाइन है वहाँ सूरज बनाकर शो किए गए और हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरियाज शो किए गए हैं। इसी तरह जो फ्रंटल रीजन्स हैं वो शो किए गए हैं इसके ऊपर। इस तरह ये वेदर रडार या डॉपलर रडार जो है उससे बनाया गया एक वेदर मैप है जिसके ऊपर रडार डेटा को शो किया गया और रडार डेटा आमतौर पर प्रेसिपिटेशन को प्रिसाइजली मेजर करता है। इसकी मदद से हम क्लाउड कवर्स को डिटेक्ट करते हैं। किसी भी वेदर स्टेशन पर आमतौर पर वेदर रडार इंस्टॉल होता है और उसका काम एक उस एरिया और उसके इर्द गिर्द जो क्लाउड कवर है उसको रिकॉर्ड करना होता है, उन क्लाउड्स में कितना मॉइस्चर है उसको रिकॉर्ड करता है और कितनी प्रेसिपिटेशन हुई है उसको प्रिसाइजली मेजर करता है। तो उसकी मदद से बनाया गया वेदर मैप है USA का, जिसके ऊपर आपको हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया नजर आ रहे हैं और क्लाउड कवर जिस जगह है वो शो हो रहा है। तो वह साइनोप्टिक चार्ट्स हैं। साइनोप्टिक मींस व्यू टुगेदर और व्यू एट अ कॉमन पॉइंट। साइनोप्टिक चार्ट इज एनी मैप दैट समराइजेज एटमोस्फेरिक कंडीशन ओवर अ वाइड एरिया एट अ गिवन टाइम। साइनोप्टिक मेट्रोलॉजी में भी हमने पढ़ा कि साइनोप्टिक मेट्रोलॉजी से मुराद लार्ज स्केल मेट्रोलॉजी है, जिसमें एक लार्ज एरिया आमतौर पर 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के एरिया को कवर किया जाता है और उसका मैप बनाया जाता है और उस एरिया की वेदर कंडीशन को शो किया जाता है। तो ऐसा मैप या ऐसा चार्ट जिसके ऊपर एक लार्ज एरिया की वेदर कंडीशन को शो किया जाए उसको साइनोप्टिक चार्ट्स कहते हैं। उन साइनोप्टिक चार्ट पर फिर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और जो वेदर कंडीशन को शो कर रहे होते हैं। ये एक कंप्लीट चार्ट है उन साइनोप्टिक वेदर सिंबल्स का, जो कि वेदर सिंबल आमतौर पर वेदर मैप्स के ऊपर या साइनोप्टिक चार्ट्स के ऊपर गिवन होते हैं। ये 100 सिंबल्स हैं तकरीबन जो
आमतौर पर वेदर मैप्स के ऊपर यूज होते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दिए गए जो लिंक है इसके ऊपर आप जाकर इन तमाम जो वेदर सिंबल्स हैं इसको विजिट कर सकते हैं, इसकी मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। किसी इस लिंक पर जाएंगे तो ये इनकी डिटेल, कंप्लीट डिटेल दी गई है, और किसी भी सिंबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगी। ये एक साइनोप्टिक वेदर चार्ट है पाकिस्तान और इसके सराउंडिंग एरिया का, जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेवलप करता है, जिसके ऊपर आपको वेदर कंडीशंस एक पूरे रीजन की नज़र आ रही हैं, जिस पर हाई प्रेशर एरियाज और लो प्रेशर एरियाज शो किए गए हैं। इसके अलावा वेदर स्टेशन मॉडल्स ड्रा किए गए हैं इसके ऊपर, तो एक बड़े एरिया की वेदर कंडीशन इसके ऊपर शो की गई है। इसी तरह ये एक साइनोप्टिक वेदर चार्ट है पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द के एरिया के, जिस पर पाकिस्तान के ऊपर आपको लो प्रेशर बलूचिस्तान के एरिया के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वेदर स्टेशन मॉडल्स इसके ऊपर पाकिस्तान के अहम शहरों के ड्रा हुए हैं, उनका डेटा प्लॉट किया गया है। वेदर मैप के ऊपर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो ये हाई प्रेशर एरियाज और लो प्रेशर एरियाज शो किए जाएँ। इसके अलावा वेदर फ्रंटल रीजन जहाँ पर दो डिफरेंट एयर मासेस एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं या मिल रहे होते हैं उसको फ्रंटल एरियाज कहते हैं, फ्रंट्स को शो किया जाता है सिंबल्स की मदद से। इसके अलावा स्टेशन मॉडल्स ड्रा किए जाते हैं, आइसोबार्स ड्रा की जाती हैं इसके ऊपर जो वेदर कंडीशंस शो कर रही होती हैं। हाईज एंड लोज, हाई प्रेशर एरियाज और लो प्रेशर एरियाज लाजमी इसके ऊपर मेंशन किए जाते हैं। हाई प्रेशर एरियाज आप फाइंड कर सकते हैं और लो प्रेशर एरिया और उससे एसोसिएटेड वेदर जो है हम प्रीडिक्ट कर सकते हैं। हाई प्रेशर एरियाज के ऊपर आमतौर पर नॉर्मल वेदर कंडीशन होती हैं, जबकि लो प्रेशर एरियाज के ऊपर आमतौर पर प्रेसिपिटेशन हो सकती है, क्लाउड फॉर्मेशन हो सकती है, विंड मूवमेंट तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी आ सकती है, इस तरह की कंडीशन लो प्रेशर एरिया के ऊपर हो सकती है। इसके ऊपर फ्रंटल एरियाज जो है ड्रा होते हैं, फ्रंट रीजन जो होते हैं जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेज एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी एक एक्टिव रीजन होता है वेदर कंडीशन के हवाले से, जहाँ पर वेदर एक ट्रांजिशन जोन होता है, वेदर कंडीशन वहाँ पर तेजी से चेंज हो रही होती हैं, वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है फ्रंटल रीजन्स में। ये इंटरप्रेटिंग साइनोप्टिक, जो साइनोप्टिक चार्ट को इंटरप्रेट करना है आपने, उसको रीड करना है तो उसको ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर आइसोबार पहले चीज़ें जो उसके ऊपर ड्रा होते हैं, उन आइसोबार्स में आप हाई प्रेशर एरियाज और लो प्रेशर एरियाज फाइंड कर सकते हैं, उनसे उनका एसोसिएटेड वेदर आप फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्रा हो सकते हैं, ठीक है, और उनसे एसोसिएटेड वेदर जैसे टोरेंशियल रेनफॉल, वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव विंड्स हो सकती हैं, ये उसका एसोसिएटेड वेदर होगा। फिर फ्रंट्स ड्रा होते हैं, फिर कोल्ड फ्रंट्स या वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट पर फॉल इन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जबकि वार्म फ्रंट पर इंक्रीज इन टेम्परेचर का चांस होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।